अरे मृत्यु आपका डायन है, देखिए डायन है। हाँ तो आज आज हमारा जो दार्जिलिंग म्युनिसिपैलिटी का काउंसिलर्स लोग है वो यहाँ आया है। वो लोग गोरखा जनमुक्ति मोर्चा से आउट ऑफ 32 सीट 31 सीट में जीत हासिल किया था 2017 में, और बाद में 2019 को 8 जून में वो लोग ने बीजेपी ज्वाइन किया था 17 काउंसिलर्स लोग ने। तो हमारा यहाँ पर नमन राय है जो दार्जिलिंग म्युनिसिपैलिटी वार्ड नंबर 6 का काउंसिलर है, तो वो आपको ब्रीफ करेंगे। दार्जिलिंग म्युनिसिपैलिटी काउंसिलर्स जो 17 काउंसिलर्स हम लोग ने भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट किया था, इस वजह से सपोर्ट किया था क्योंकि विगत 2009 से जो एक हम लोग का पार्टी का जनमुक्ति मोर्चा का अलायंस होते, इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी को हम लोग ने 3 बार एमपी जिता के दिया था, साथ में एक एमएलए भी जिता के दिया था, और साथ साथ में यही विश्वास लेके 17 काउंसिलर्स ने भी भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट किया था। सिर्फ जो संकल्प पत्र में जो भारतीय जनता पार्टी ने पहाड़वासी जो विश्वास दिया था कि एक परमानेंट सोल्यूशन और 11,000 गोष्ठी का जो वचन वो लोग ने दिया था, तो ये मानसून सेशन में जो भारतीय जनता पार्टी ने जिस संकल्प पत्र में जो मेंशन किया हुआ जो वचन पहाड़वासी को नहीं देने के कारण हम फिर भारतीय जनता पार्टी से फिर वापस हम लोग का प्रेसिडेंट बिमल गुरुंग जी के साथ आना चाहते हैं, फिर से हम लोग पुराना घर में वापसी होने का आज हम घोषणा करते हैं। सबसे पहले आगे भी मैंने आपको आप सब देश में दिया, आपको फिर दोबारा मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ सभी प्रेस मीडिया को। दूसरा बार ये कलकत्ता का प्रांगण भी हम फोन अभी हम लोग प्रेस मीट करने जा रहा हूँ जो म्युनिसिपैलिटी दार्जिलिंग म्युनिसिपैलिटी को लेकर, जो गए दिन हमने जो घोषणा किया था कि हम लोग एनडीए को छोड़कर बीजेपी को साथ छोड़कर अभी मिस ममता बनर्जी के साथ जाऊंगा, इसलिए ये कारण आपको आगे ही बता दिया था। आज भी थोड़ा मैं बताना चाहता हूँ कि हमने 17 वर्ष उसका साथ गुजार, 17 वर्ष गुजरने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक हम लोग का ऊपर जो एश्योरेंस दिया था जो हम लोग का कमिटमेंट दिया था अभी तक फुलफिल नहीं किया। तो हमने सोच रखा कि अभी ऐसा तो नहीं चलेगा, बार बार हम लोग एक वोट का मशीन के तरीका से हम लोग जी रहा, तो हम अभी बंगाल का जो शासन प्रणाली चलाने वाला मिस ममता बनर्जी
वो कमिटमेंट करता है जो वो पूरा करता है। तो उसको देखते हुए हमारा जो डिमांड, हमारा जो परमानेंट पॉलिटिकल सोल्यूशन है, सब उसका जो सामने हमने जो प्रपोजल भेज दिया है और हम आशा करता हूँ आने वाला दिन में ये पूरा करेगा। इसीलिए 2021 का इलेक्शन में हम लोग ये जान लगा के बंगाल में फिर तीसरा बार हम लोग मिस ममता बनर्जी को जानेंगे। इसीलिए आज दार्जिलिंग म्यूनसिपैलिटी जो 17 काउंसिलर्स था जो बीजेपी में आगे 2019 में शामिल हुआ था, अभी सभी 17 काउंसिलर सभी फिर अपना घर में वापसी होने के लिए आज यहाँ पर हम लोग अपना फ्लैग दे रहा हूँ। और ये आज कलकत्ता के आंगन में ये घोषणा करना चाहता हूँ और हम लोग जाके हम गोरखा जनमुक्ति मोर्चा और टीएमसी का साथ हम एक जगह बैठकर वो वोट काटेंगे और बीजेपी को हम सबक सिखाएंगे। और 2017 में ऐसा सबक सिखाएंगे जिसने 17 वर्ष को हम लोग को समय नष्ट कर दिया है, बर्बाद कर दिया है, हम लोग फिर में जाके उसको सबक सिखाएंगे और दिखाएंगे नॉर्थ बंगाल का रिजल्ट दिखाएंगे। मैं कर्म में विश्वास करता हूँ, मैं प्रैक्टिकल काम करना चाहता हूँ, मैं एश्योरेंस दे के अपना चेयर बचाने के लिए राजनीति नहीं करता हूँ। मैं राजनीति करता हूँ कि आने वाला दुख या सुख जो भी हो, बंगाल का शासन प्रणाली चलाने वाला मिस ममता बनर्जी जो भी आगे आने वाले दिन में उसका साथ रहने के लिए जो भी कसरत करना करना पड़े तो मैं करूँगा। लेकिन हम लोग एक होकर ये बात बीजेपी को सबक सिखाएंगे और बंगाल में अच्छा सा अच्छा रिजल्ट हम अच्छा पेश भी करेंगे। इसलिए सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। इधर इधर मैं ये फैक्ट मेरा 17 काउंसिलर को देकर पार्टी में समावेश करना चाहता हूँ। एक एक कर दीजिए विमल जी, एक एक कर दीजिए। एक मिनट, एक बात मैंने आगे बोल दिया था विमल जी, सभी लोग पीछे से उठा गए, पीछे को नहीं इस्तो करना सुनील भाई, तू पीछे आ ना। अरे कोथा बेचा बोला हमार बॉडी के रखा लेना उना का बोल तू, ये किसी उसको बाल सीधा सीधा और सीधा उल्टा उल्टा सब तो सीधा करके ऊपर कर दीजिएगा, ठीक है? पीछे से ऐसे करना है। विमल जी इधर आइए। सवाल है बाद में, सवाल इधर देखिए विमल जी, आप लोग उठाइए, आप लोग पीछे से उठाइए, सब लोग तमंग का ये आज का दिन में मैं विनय तमंग के लिए बात करने नहीं आया हूँ, मेरा काउंसिलर्स का जो पार्टी में समर्पित करने के लिए आया हूँ। इसीलिए विनय तमंग का ये अभी क्या कहा है, उसने जो भी बोला है उसका अपना मर्जी से बोला है, मैं यही बोलना चाहता हूँ। धन्यवाद।